माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। गुड आफ्टरनून, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का पुशिंग लिमिट्स एपिसोड नंबर 7 में। एंड तुम लोगों ने स्टार्टिंग के क्लिप्स देख ही लिए। मैंने फाइनली एक वायरलेस माइक लास्ट वीडियो में बोला था वो ऑर्डर कर लिया एंड ये आ चुका है। ये वायरलेस माइक काफी अच्छा है फॉर द प्राइस, 1500 में बड़ा मुझे, एक ग्रेनारो कंपनी का है भाई। ये बहुत अच्छा है यार, मतलब ये देखो, ये इतना छोटा सा माइक है एंड दिस इज द रिसीवर। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये रिसीवर तो एंड्रॉयड का है, वो लोग के लिए मेरे पास एक और चीज़ है। तो ये आईफोन का मेरे को एक डोंगल मिला है, इसको मैं ऐसे करके अपने आईफोन में लगा सकता हूँ। सो अभी मैं सीधा नेक्स्ट क्लिप ये डालने वाला हूँ कि ये माइक का परफॉर्मेंस कैसा है एंड इसकी आवाज़ कैसी है। तुम लोग जो भी आवाज़ सुन रहे हो ये माइक से आ रही है। एंड बाय द वे, ये माइक में 3 मोड है। ये फर्स्ट मोड है और इसमें मोड ये बटन से चेंज होता है, ये जो बटन तुम लोग को दिख रहा है लेफ्ट साइड में उससे चेंज होता है। सो अभी मैं चेंज करता हूँ इसको। मोड नंबर 1 है ये नॉइस कैंसलेशन का, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है। मोड नंबर 2 में ऐसी कुछ आवाज़ आती है एंड मोड नंबर 3 में ये मोस्ट ऑफ द आवाज़ कैंसल आउट कर देगा, देखना। सो ये मोड नंबर 3 है एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। मैं जब ये माइक आया ना तो मैं इतना एक्साइटेड भी था अनबॉक्स करने के बाद भी, एंड इसको यूज़ नहीं किया मैं जब ये, अभी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं इसके ऑडियो रिजल्ट्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो जिम में भी आज जाएंगे हम लोग, तभी उसको टेस्ट करेंगे एंड मस्त वाला व्लॉग होने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं इस यूट्यूब जर्नी को और आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर आप उस चीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक बार इसका केस देखो, इसका केस लिटरली एक एयरपोर्ट के डब्बे के जैसा है। इसमें इधर माइक आता है एंड इधर एक रिसीवर आता है जो कि दोनों मेरे फ़ोन में लगे हुए। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड इसको एक टाइप सी के फ़ोन चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मुझे मिली ये जो भी वायर रहता है जिससे इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर वो जो डोंगल मैंने बताया वो था आईफोन का एंड दिस वाज द पैकेजिंग। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट के बाद आई एम श्योर कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड एंथुजियाज़म के साथ वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है। इस माइक को एकदम अच्छे से यूज़ करेंगे। फट से कॉफ़ी पी लेते हैं एंड देन निकलेंगे जिम के लिए। आज हम बाय द वे लेग्स ट्रेन कर रहे हैं एंड लेग डे मेरा वन ऑफ द फेवरेट डे होता है ट्रेन करने के लिए। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई थिंक सो 2 चम्मच डालूंगा मैं कॉफ़ी। एंड ऑल्सो स्पेशल इंग्रेडिएंट ताकि पंप अच्छा है, नमक डालो, थोड़ा सा नमक। आई होप कि आज जिम में भीड़ नहीं होता। पार्किंग देख के तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी हद तक भीड़ है एंड मेरे को नीचे तक म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा है। आई होप कि माइक मुझे हेल्प करता है आज रिकॉर्ड करने में। भाई जल्दी जल्दी में मैं ट्राईपॉड ही स्कूटी पे भूल गया यार, शिट यार। मैंने बेसिक लेग डे वार्म अप कर लिया है एंड आजकल मैंने अपना लेग डे का अप्रोच थोड़ा चेंज किया है। मैं कम वेट पे फोकस करता हूँ एंड सबसे पहले मैं स्क्वाट से चालू करता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि 120 केजी या जितना भी वेट होता था उतना मैं स्क्वाट करने का ट्राई करता था, बट मैंने अभी वेट थोड़ा रिड्यूस किया है एंड फॉर्म और टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करने लगा हूँ। मैं रेप्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, 4 सेट टिल फेलियर करता हूँ। रिसेंटली मैं 100 केजी के साथ अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। 100 केजी ईजी लगता है मुझे। 120 केजी के साथ जब करता था तभी मैं स्ट्रेंथ फोकस्ड लेग वर्कआउट करता था। लास्ट वार्म अप सेट, इसके बाद मैं अपना मेन सेट लेने वाला हूँ। 80 केजीज के साथ लास्ट वार्म अप सेट कर रहा हूँ मैं। इस पर रैप से फोकस नहीं रहेगा, सीधा वार्म अप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सेट को परफॉर्म करूंगा। फर्स्ट वर्किंग सेट एंड इसमें मेरा एम रहेगा कि 8 to 12 रैप्स के अराउंड मैं फेल करूँ
ज्यादा टेक्निक और फॉर्म पे मेन फोकस होगा मेरा। तो स्क्वाट्स के चार सेट करने के बाद मेरे क्वाड्स फ्राई हो चुके हैं एंड अभी मैं हैमस्ट्रिंग के लिए फर्स्ट मूवमेंट करने वाला हूँ आरडीएल्स। आरडीएल्स में मैं आपको बोलूंगा कि आप एक अगर स्ट्रैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो करना। वेट धीरे धीरे हैवी होता है तो इट्स हार्ड टू परफॉर्म द एक्सरसाइज एंड ऐसा होता है कि जो वेट ईजिली परफॉर्म करते हो उसमें आपका हैमस्ट्रिंग जंगते टारगेट नहीं होता है। तो मैं पहली बार स्ट्रैप्स यूज कर रहा हूँ, देखते कैसे यूज करते हैं इस चीज़ को। और गाने तो ठीक ठाक बज ही रहे जिम में, फुल देसी बॉलीवुड। पता नहीं गाने सुन के कौन ट्रेन करता है, बट एनीवेज फर्स्ट सेट। मैं हर एक एक्सरसाइज का सारे सेट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर सारे सेट्स रिकॉर्ड करें तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा एंड मैं सोच के आया था कि जिम में गाने नहीं बजेंगे बट बज रहे हैं एंड इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है ठीक ठाक काम कर रहा है उस चीज़ को कैंसल आउट करने में। सो मेरे को टाइम चेंज करना पड़ेगा, मे बी सुबह आना पड़ेगा मुझे। सुबह भी आके मैंने ट्राई किया है बट मेरे को एक टाइम फिगर आउट करना पड़ेगा जहाँ पे गाने इतने ज़ोर से नहीं बजते। एंड सीन क्या होता है कि मेरे को बोलने में प्रॉब्लम नहीं, बात करने में प्रॉब्लम नहीं है कैमरा से, बट पीछे से गाने बजते रहते हैं ना तो बीच में एक ऐसा आता है कि एक ऐसा जोर से ड्रॉप आता है एंड जो भी बोलना रहता है भूल जाता हूँ। ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। लोग को अभी थोड़े सब्सक्राइबर मिल गए। आपका नाम क्या है? वैशाल। क्या? वैशाल। वैशाल, हाँ इनने बोला कि मेरे वीडियोज देखे हुए इनने एंड ये ट्रेनर भाई हम लोग सब्सक्राइब करवा रहे एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो। क्या हुआ? यूट्यूब खोलो तो जरा, कंटेंट तो चाहिए ना भाई थोड़ा। अरे नहीं भाई, मानव लिखो मानव। कोठारी कोठारी के हो के आ गया क्या? हाँ सब्सक्राइब। सो आजकल मैं लेग एक्सटेंशन करने से पहले क्या करता हूँ कि सीट को ऑल द वे पीछे ले लेता हूँ। उससे क्या होता है एक्सटेंशन में मेरे को क्वाड्स में स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से मिलता है। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एंड इसके बाद काफ रेजेस पे हम जाएंगे 20, 30, 40, 50। Three partials, one, two, three. So, मैं लोग का यूजुअली मिस्टेक बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, स्क्वाट कर लेते हैं, आरडीएल्स कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्सटेंशन और कर्ल में अपना बेस्ट नहीं देते। और मेरे को ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंशन और कर्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो काफ रेजेस भी बहुत लोग क्या करते हैं स्किप कर देते हैं लास्ट में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे एक्सरसाइजेस चुनने जिससे आपको बेनिफिट हो और ना आपको मजा आता है उसको करने में।
ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती किसी ने बोला स्क्वाट करने तो स्क्वाट ही करना है, आपको जबरदस्ती कोई बोल रहा है कि लेग प्रेस करना है तो लेग प्रेस ही करना है। एट द एंड आपको क्वाड के लिए एक कंपाउंड मूवमेंट करना चाहिए, एक कंपाउंड मूवमेंट हैमस्ट्रिंग कर्ल के लिए करना चाहिए, एक आइसोलेशन क्वाड्स के लिए, एक आइसोलेशन हैमस्ट्रिंग्स के लिए, एंड देन काफ्स के लिए एक एक्सरसाइज जिससे आप अच्छा स्टिमुलस एंड अच्छा काफ्स के गेन्स ले सकते हो। आपको एट द एंड मजा आना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि मुझे जो एक्सरसाइजेस करने में मजा आता है उसको मैं ज्यादा लुक फॉरवर्ड करूंगा एंड उसमें अपना बेस्ट दे पाऊंगा। मैं यूजुअली कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे कि तेरे लेग्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तू लेग्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करता है, तो मेरा सिंपल सा आंसर ये रहता है कि लेग्स आप अपने बेस्ट क्यों नहीं देते हो लेग्स को ट्रेन करते टाइम। आप चेस्ट को ट्रेन करते टाइम पम्प्स को चेस करते हो, बैक को ट्रेन करते टाइम अच्छे से पम्प्स को चेस करते हो, बट लेग्स में अपना बेस्ट क्यों नहीं देते हो। सो एक रोबोट की तरह कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, लेग्स को ट्रेन करो। लेग्स को ट्रेन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है एंड आजकल एक डे बहुत ज़्यादा थकान वाला था, मैं अभी तक हाफ रहा हूँ लास्ट फ्यू एक्सरसाइज एंड फ्यू सेट्स की वजह से। मैं अपने सेट्स को वहाँ तक लेके जाता हूँ जहाँ तक मैं आउट ऑफ ब्रेथ नहीं हो जाता हूँ, मैं अपना फुल बेस्ट देता हूँ क्योंकि मुझे लेग्स ट्रेन करने में मज़ा आता है, बट आप भी उसको फन तरीके से अचीव कर सकते हो उस चीज़ को। सो लेग्स को ट्रेन करो, हैंड स्किप मत करो। काफ्स के 4 सेट टिल फेलियर, रेप्स नहीं गिनूंगा मैं, टिल फेलियर जाऊंगा। सो काफ्स का प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते मैं 60 kg पे पहुंच गया हूं एंड 60 kg मैं इजीली 12 रेप्स के ऊपर अचीव कर लेता हूं। सो काफ्स का एक टिप देना चाहता हूं मैं, अगर आपको काफ्स अच्छे से ग्रो करने तो आपको अगर ऐसा स्टैंडिंग काफ रेज मशीन है तो वो ले लेना। उससे मैं क्या करना कि आप अपने इसको एकदम ऑल द वे नीचे ले जाना, उससे क्या होगा कि आप अभी आप एक्सरसाइज करते हो मुझे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं पूरा बॉटम स्ट्रेच तक जा रहा हूँ पोजिशन में, एंड उससे क्या होता है कि आपके काफ्स को ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाता है। पीक कॉन्ट्रैक्शन पीक स्ट्रेच अच्छे से आपको करना है एंड ज़्यादा रेप्स में ऐसा मत करना कि फास्ट कर रहे हो आप मूवमेंट को, एकदम स्लो एंड कंट्रोल बॉडी बिल्डिंग स्टाइल। पीक कॉन्ट्रैक्शन पीक स्ट्रेच, एक पॉज अप पॉज अप। पहले रेप से मुझे अपने काफ्स में अच्छा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। आई थिंक सो मुझे बात नहीं करना चाहिए सेट के बीच में, सेट के बाद बात करते हैं। एंड देखो मैंने बोला था ना कि मैं रेप्स नहीं गिन रहा एंड मैं रेप्स नहीं गिन रहा सीरियसली। सो आज जिम में आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं पहली बात तो ट्राइपॉड ही स्कूटी में भूल गया, तुम लोग को दिखाया मैंने जिम में मैंने, फिर बाद में ये जो नया माइक का जो केस मिला था मुझे इसको मैंने ऑलरेडी 2 बार गिरा दिया जिम में ही, एंड पता नहीं आज बहुत ज़्यादा क्लमजी फील हो रहा था मेरे को। रिकॉर्ड करते टाइम भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, मैं फंबल कर रहा था। पता नहीं लास्ट 2-3 दिन से मैं कॉलेज के असाइनमेंट ये सब देने की वजह से ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक सो वही रीज़न है, उसकी वजह से ये हो रहा है। एंड लास्ट एट द एंड मेरे को क्या हुआ कि मैं स्ट्रैप्स लेके गया था जिम में एंड स्ट्रैप्स जिम में ही भूल गया, नीचे गया फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं स्ट्रैप्स भूल गया, ऊपर गया जिम में फिर बाद में मैं रियलाइज़ किया कि मेरे बैग में ही मैंने स्ट्रैप्स आगे वाले चेन में डाल के रखा था। तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है आज, बट लेग डे अच्छा गया एट द एंड, टिल फेलियर ट्रेन किया। तो या ये था लेग डे एंड अभी मैं पोस्ट वर्कआउट में लूँगा एक स्कूप वे प्रीमियम गोल्ड वे पानी में, क्योंकि आज ज़्यादा कैलोरीज नहीं है मेरे पास स्पेंड करने को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना एंड मिलते हैं अगली बार।